कटिहार में रालोसपा की हुई महत्वपूर्ण बैठक आयोजित, बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने किया। कार्यक्रम में चिराग बूट लोजपा से आए हुए दीपक कुमार सिंह का एवं उनके साथियों का सदस्यता ग्रहण कराया गया। जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने केटीएन न्यूज को बताया कि दीपक कुमार पहले हमारे साथ काम कर चुके हैं, अब वह फिर हमारे साथ पारसकूट में काम करेंगे। जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने कहा कि पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और इसको देखते हुए दीपक कुमार चिराग बूट छोड़कर हमारे साथ आए हैं। लगभग दर्जनों की संख्या में नेताओं ने पारस गुट का सदस्यता ग्रहण किया। जी, प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, क्या बात है? देखिए, आज एक बैठक भी हुई और एक प्रेस वार्ता भी की गई। उसमें मेन उद्देश्य ये था कि चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान पार्टी है, चिराग गुट जिसको कहते हैं, उस गुट के युवा के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह आज हम लोगों की पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए, और अकेले ही नहीं बल्कि सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ, जिसमें हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनको सदस्यता ग्रहण करवाया, फूल माला पहना के उनका भव्य स्वागत किया, और उसके आने से पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और मजबूत हुई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मजबूती को देखते हुए, जिला अध्यक्ष की मजबूती को देखते हुए, वो चिराग गुट को छोड़कर पारस गुट में आए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। इसी को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई थी। क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर इस तरह की राजनीति हो रही है? नहीं नहीं, उससे चुनाव से कोई मतलब नहीं, आगामी चुनाव 2024 में होना है, लेकिन जिस पार्टी में वर्कर हैं तो उसको लगता है कि हमारा अगर हमको मान सम्मान मिलेगा तो हम वहाँ रहेंगे, और उसका उपेक्षा अगर होगा तो वो फिर दूसरे जगह भी जा सकते हैं। सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा था कि उनके जीजा की हत्या हो गई थी पिछले दिनों, लगभग एक महीना पहले, और चिराग पासवान जब बारसोई घटना घटी थी तो उसमें आए थे और उसके घर होके ही गुजरे थे, लेकिन चिराग पासवान उसके घर नहीं गए, तो उसको लगा कि हमारे मान सम्मान का हनन हुआ है और हमारे जीजा का हत्या हुआ और चिराग पासवान हमको पूछने तक नहीं आए, जबकि हमारे ही घर होके उनको गुजरना था। तो ये इस बात से उनको काफ़ी तकलीफ हुई, आहत हुई, इस वजह से वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। चुके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस जी, वो गरीबों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं। पार्टी की मजबूती के लिए आपकी पार्टी और भी क्या कदम उठाएगी आगे? हमारी पार्टी तो ग्रास रूट पर लगातार काम करती है, कार्यकर्ताओं का जहाँ मान सम्मान की बात होती है उसको लेकर हम लोग DM साहब के पास हो, या SP साहब के पास हो, या SDO साहब के पास हो, या DSP साहब के पास हो, हम लोग लगातार जाकर उसकी समस्या से हम लोग रूबरू कराते हैं और उसकी समस्या का समाधान हम लोग करवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। जी, बैठक आहूत की गई थी, क्या मुद्दा था? बैठक में मुद्दा यह था, लोजपा चिराग गुट के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह जी हमारे टीम में आए, पशुपति पारस गुट में आए, ये हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है, और आए इसलिए कि हम लोगों के कार्य कुशलता को देखते हुए आए, आदरणीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व को समझने के लिए आए। आदरणीय पशुपति पारस जी जिस तरह के लिबरल व्यक्तित्व है उनका, आदरणीय प्रिंस राज जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, उनसे प्रभावित होकर, एवं हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दीपक सिंह जी हमारे टीम में आए, हम लोग उनका हार्दिक अभिनंदन किए, और वो अकेले नहीं आए, वो अपनी पूरी टीम के साथ आए, सभी प्रखंड अध्यक्ष और लगभग 2 दर्जन लोगों के साथ आए। बजाबते मैंने उनका लिस्ट भी दिया है प्रेस विज्ञप्ति। जी हाँ, सभी का नया सदस्यता हम लोगों ने रसीद काटा और उनको अपनी टीम में शामिल कराया। संतोष कुमार पासवान, दलित सेना जिला अध्यक्ष कटिहार। क्या